हेलो फ्रेंड्स, आपंकर फेवरेट यूट्यूब चैनल सोडसा ट्यूटोरियल स्वागत जनाऊँच। आम आज आलोचना करवा परसेंटेज जवाब जोड़ा कि आम कहे शतकड़ कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलो फर्स्ट क्वेश्चन को आलोचना करवा। दि रेडियो ऑफ द सर्कल इज इनक्रीज बाय 1%, दि परसेंटेज इनक्रीज इन एरिया। जदि गोटे वृत्त ये कौन कही सर्कल, जदि गोटे वृत्तर रेडियस अर्थात व्यासार्ध में एक शतकड़ परिवर्तन घटे बा एक शतकड़ा वृद्धि घटे तेबे तार एरिया रे शतकड़ा केते वृद्धि घटिबो। चलो तो केमती कौन आलोचना करियो एटाकु। प्रथम तो क्वेश्चन कौन कहि छी ताकु आगे बुझि नबा। प्रथम कॉन्सेप्ट बुझि नियंतु, तापर मु आपनको शॉर्ट ट्रिक कहिबे जोडा कि बहुत जल्दी बहुत इजीली आपन सॉल्यूशन करि परिबे। कौन कहि छी प्रथम देखंतु, गोटिए वृत्तर प्रथम जहां रेडियस थिला, भावंतु एडी रेडियस धरो 100 सेंटीमीटर थिला, आपनकर 100 सेंटीमीटर रेडियस थिला, सेटा कोन वृद्धि घटि कि एक शतकड़ा वृद्धि घटि छी 100 नली एथि पई कि हमकु इजी हबो। तो जिते बड़े रेडियस जिते बड़े 101 शतकड़ा अर्थात एक बढ़ो तो रेडियस के 101 हो गला। तो हमको कौन कही तो एटी गोटे एरिया बाहर एथे गोटे एरिया बाहर। तो यही एरिया भितर शतकड़ा केते वृद्धि घटव। प्रथम देखो तो एरिया के बढ़ो ए वन माइनास ए हेले तार एरिया केते वृद्धि घटला इमान भितर अंतर विभक्त फास्ट एरिया इंटु कौन 100। एटा है आमर शतकड़ा केते शतकड़ा एरिया वृद्धि घटला एटा में बाहर करि परबा। एटा बहुत लेंथ हे जो मु आपनो किंतु कहबी शॉर्ट ट्रिक रे जोटा कि बहुत जल्दी यार आंसर बाहर करि परे। धरंतु देखिबा ए ट्रिक रो फार्मूला कोन रखबे, देखंतु फार्मूला टी आपनो मने रखिबे। फार्मूला टी होची 2a प्लस a² डिवाइडेड बाय 100। एई गोटे फार्मूला आपनो मने रखिबे। एथिरे आपनो सर्कल भी आसीबो, रेक्टेंगल भी आसीबो, फे आपण को स्क्वायर भी आसीबो, सब थिरे एई गोटे फार्मूला ही यूज हबो। तो देखि दंतु ए कोउटा ए ए होउची आपणकर रेडियस जेतकी परसेंटेज देछि जेतकी परसेंट ए रो अर्थात आपण को जहां परसेंटेज देछि सेतकी लिखिबे। एटी ए केते होछि 1 होछि, तेनु ए रो वैल्यू 1 लिखिबे। 2 × 1 प्लस a² अर्थात 1 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, 2 प्लस 1 बाय 100। तो यहाँ आप 2 + 0.01 दुईटा को प्लस कले 2.01% 2.01% जोटा कि ऑप्शन डी रे अच्छी यार सटिक आंसर। आप अति अल्प समय भितर ये फर्मुला जो मन रखी थे यार सल्यूशन करेंगे। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे देखो ये स्क्वायर आसा से सर्कल करते स्क्वायर। इफ दि साइड ऑफ द स्क्वायर इज इनक्रीज बाय 30% देन इट्स एरिया इज इनक्रीज बाय। जदि गोटे वर्गक्षेत्र बाहू रे 30% रो वृद्धि घटे ताहले यार एर शतकड़ा केते परसेंट तार क्षेत्रफल वृद्धि घटिबो। से सेम जिनस आपनो एटी दुईटा वर्गक्षेत्र नेबे, दुईटा वर्गक्षेत्र नेकी एटा तो आयतचित्र बले देखा होउची किंतु वर्गक्षेत्र नेकी आपनो टेस्ट करि परिबे। प्रथम जदि 100 थिबो 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर वर्गक्षेत्र रो चारि भाग जका समान 100 सेंटीमीटर लेखा नै थिबे, तापर जदि 130% वृद्धि घटियो माने करतो 130 हे जीवो अर्थात एपोटे भी 130। एथिरे भी आपण जदि चेक करिवे से सेम बाहरिबो जति कि आमे ट्रिक रे आमे सॉल्यूशन करिया जारंतु ट्रिक मेथड रे जेमती आमे सॉल्यूशन करले भी से सेम आसीबो। बाकी एई मेथड जोडा कि आमे ट्रेडिशनल मेथड रे आमे सॉल्यूशन करले बहुत लेंथी हबो एवं टाइम टेकन मध्ये हबो। चलत मुझे आपको फर्मुला साहय कर फर्मुला टी मन रखिए 2a प्लस a² डिवाइडेड बाय 100 एटा हूँ फर्मुला। तो आमको एरिया रो परसेंटेज के इनक्रीज होती बाहर करार अच्छी मत कहु ये केते हम ए हूँ 30% अर्थात ए हूँ 30। तो 2 × a है 30 ने प्लस ये 30 रो स्क्वायर अर्थात 30 × 30 डिवाइडेड बाय 100 ये है 60 × 30 जे केते 60 एटे दुईटा शून एटे एक एटे तो तीन तीन के नौ 60 युक्त नहले केते हबो 69% 69% जोटा कि ऑप्शन डी होची यार सटिक आंसर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मेजरिंग द साइड ऑफ ए स्क्वायर एन एरर ऑफ 5% इन एक्सेस इज मेड, द एरर परसेंट इज कैलकुलेटेड। कौन कही जिते बड़े गोटे वर्ग क्षेत्र स्क्वायर कही जिते बड़े गोटे वर्ग क्षेत्र एरिया कैलकुलेशन करा होता से टाइम कौन कराई एक्चुअल तार जो
लेंथ बाय एक्चुअल जो साइड नबा कथा सेतकि न नै कि कोन करै छै माने 5% एक्स्ट्रा नै जिजुंदी जहां पर जदि 5% हम एक्स्ट्रा नबा त एरिया भी एक्स्ट्रा बाहरिबो तो अर्थात 5% से माने एरर नै जंदी तार अर्थ होउ छी तो हमकु कहै छै से तो एरर परसेंटेज अर्थात एरिया रे से सेम क्वेश्चन एरिया रे केते परिवर्तन घटी छी अर्थात एटा को प्रथमे भल कि बुझि दियंतु प्रथमे एरिया कोन थिला प्रथमे आयत क्षेत्र रो बाहु केते देला 100 सेंटीमीटर धरो थिला 100 सेंटीमीटर 100 धरि दियंतु 100 सेंटीमीटर थिला किंतु से माने एरर केते नै गेले 5% एक्स्ट्रा नै जोंदी अर्थात 100 नबा जगह रे से माने 105 नै जोंदी अर्थात यारो तो बाहु केते हे जइबे बे प्रत्येक साइड केते हे जइबो 105 लेखा हे जइबो 105 मु आपन कांसेप्ट कहि दउ छी तो कोन कहि छी यार एक्चुअली क्वेश्चन रो मीनिंग कोन कहि दउ छी आपन किंतु ट्रेडिशनल मेथड रे करिवे नि शॉर्टकट करिवे तो मते कोन तो एटी दीटा जको एरिया डिफरेंट हे जइबो अर्थात जहार बाहु बेसी थिबो आरो एरिया अधिक मारिबो तो एटी आपन बडो एरिया रो छोटो एरिया को माइनस करिवे तो केते परसेंट वृद्धि घटि छी ता आपन प्रथमे बाहर करिवे तो एटा मु आपन को कांसेप्ट कहली एक्चुअली क्वेश्चन रो अर्थ कोन एटा मु आपन को कहली क्वेश्चन रो मीनिंग कोन एटा हो क्वेश्चन रो मीनिंग थिला किंतु आपन ट्रिक हिसाब रही से ट्रिक्स दो फॉर्मूला कहि छी सेही फॉर्मूला हिसाब रे आपन समाधान करबे तो आपन कोन कहि छी एरिया मागि छी ना एरिया रो परसेंटेज केते वृद्धि घटि छी बा एरिया रे केते हमरो एरर केते हो छी तो एरिया परसेंटेज आपन करे सेही फॉर्मूला 2a प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 2 इनटू a एटी केते मते कोन तो a होची 5% a हला 5% अर्थात 5 तो एटी 5 नले प्लस a रो स्क्वायर जे केते हो 5 रो स्क्वायर जे 25 डिवाइडेड बाय 100 ई हला 10 युक्त 0.25 तो हला केते ये से जो 10.25% 10.25% जोडा के ऑप्शन बी होची यारो सटीक आंसर चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहे देखो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोड़ा कि सब एग्जाम पड़े ग्रुप डी लेवल जितकी ग्रुप डी लेवल एग्जाम अच्छे परसेंटेज रो जो क्वेश्चन आसो ए टाइम ए रो सैलरी एति परसेंट एक्स्ट्रा देन बी सैलरी ए क्वेश्चन ही आसो कौन कहे प्रथम क्वेश्चन को देखी दिंतु इफ ए सैलरी इज 20% मोर देन बी देन हाउ मेनी परसेंट इज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए प्रथम क्वेश्चन को बुझी दिंतु कौन कहे जदि ए रो सैलरी बी रो सैलरी अपेक्षा कहार सैलरी अपेक्षा बी रो सैलरी अपेक्षा 20 शतकड़ा अधिक हुए तेबे कहि बी रो सैलरी ए रो सैलरी ठूर केते कम अटे प्रथम कनसेप्ट बुझी नियंतु क्वेश्चन रो मीनिंग प्रथम बुझी नबा तापर हम शॉर्टकट रे करबा ट्रिक मेथड रे करबा कोन कहि जदि ए रो सैलरी 100 टंका हुए तो बी रो सैलरी केते हे जीवो ए सैलरी 20% मोर देन दैट ऑफ बी ओ एटि ए रो सैलरी 100 नुहे बी रो सैलरी 100 हेले ए रो सैलरी केते हे जीवो 120 हे जीवो ता माने हमकु कोन कहि छी क्वेश्चन डा तापर कहि छी बी रो सैलरी डा ए टू केते कम अछि बी रो सैलरी ए टू केते कम अछि 20 कम अछि केते शतकड़ा कम कहि छी तो 20 विभक्त केते रो 20 कम 120 रो 20 कम 120 गुणन केते 100 तो एटा हमकु मागि छी 20% এতিরে আপনাকু কনফিউশন টোটালি হেবে না এই কোশ্চেনরে কারণ কি আপনাকু 20% মোর কইছি মোর অর্থাৎ 20 মোর কইছি 20 কো উপরে রাখলে তো এটি 120 বলে কারণ কি মোর অর্থাৎ অধিকা 100 রে 20 যোগ করবে 120 তো আপনাকু ডাইরেক্ট অ্যানসার বাহিরিবো 16 2 3% এটা বুঝি হইতো আশা করছি এই কোশ্চেন আপনারা বুঝি পারতে চলুন তো নেক্সট কোশ্চেন যদি বুঝি পার নতবে নেক্সট কোশ্চেন আটি বুঝিবে কোন কইছি এ স্যালারি ইজ 25% লেস দেন দ্যাট অফ বি দেন হাউ মেনি পার্সেন্ট ইজ বি স্যালারি मोर देन दैट ऑफ ए कौन कही ची? ए रो सैलरी बी रो सैलरी अपेक्षा 25 शतकड़ा कम अटे
आमको मागिच कौन देन हाउ मेनि परसेंट इज बी सैलरी मोर देन दैट ऑफ ए तेबे बी रो सैलरी ए रो सैलरी अपेक्षा केते शतकड़ा अधिक एटा आमको मागिच तो मु आपन कहितली लेस देन आउ मोर देन रे अधिक हैला कहार बेसी होगला कहार अधिक होगला यह चक्कर टोटाली पढ़ी आप कन्फ्यूजन हे ना तो मुझे जो ट्रिक कही से ही फर्मुला ही आज यूज करेंगे कौन कही गोटे जिन खाली देखिए लेस कही ना मोर कही लेस कही लेस कही 25 लेस कही 25 रखिले लेस जेहेतु कही तो आप 100 टू 25 को लेस करदे 100 रु 25 गले के हम 75 गुणन के 100 25 3 75 अर्थात उपरे 100 रहा तले 3 रहा तो कते हम एटा 3 3 9 3 3 9 1 3% अर्थात 33.1% एटा होची आपनकर आंसर एतिरे आपन टोटल कन्फ्यूजन रे पड़िबे ही नाही। हम चालंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहि देखंतु इफ द प्राइस ऑफ ए टी इज इंक्रीज बाय 20% हाउ मच परसेंट मस्ट द कंजम्पशन ऑफ टी बी डिमिनिश्ड सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। एटा होची बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जेमती शतकड़ा रे से सैलरी क्वेश्चन जेमती इंपोर्टेंट ए क्वेश्चन भी सेमती इंपोर्टेंट ग्रुप डी लेवल रो ए दुईटा क्वेश्चन रे आपण जो ग्रुप डी लेवल एग्जाम देबे ए दुईटा क्वेश्चन आपण जदी प्राय 50% 70% क्वेश्चन ए दुईटा क्वेश्चन निहाती पाइबे शतकड़ा रो देखंतु कोन कहिजी जदी चार मूल्य रे चार दाम 20 शतकड़ा बढ़ी जाए ताहेले से कौन कही जी जो कंजप्शन करे चा कि जो हाउस होल्डर जो मैंने चा यूज करजपसन अर्थात चा किणवे केम किणवे जहाँफल खर्च से सामान ही रा दाम बढ़ी थी भी जितकी टाँचा खर्च हम चा दाम कम थी बेले जितक टाँचा खर्च होता चा दाम बढ़ी गले भी से टाँचा ही खर्च करेंगे यहाँ हूँ क्वेश्चन रर्थ चलतु या अर्थ जो बुझी पार ना तार मुझे प्रथम यार कनसेप्ट बुझे दौर आप सर्ट ट्रिक कैलकुलेशन करेंगे चलते कनसेप्ट कौन कही अर्थात जो चार दाम टी प्राइस प्रथम गोटे के जी राम धर 100 टंका थिला केते टंका थिला 100 टंका थिला से बड़े केते केजी आणुला 100 केजी आणुला 100 केजी आणुला टोटल दाम के मत कहु चार प्राइस 100 टंका थिला 100 केजी रो दाम हैला केते 10,000 टंका होतला जेते चार दाम 120 टंका हे जीवो सेते बेले से केते केजी किणिबो जहा फल रे केते केजी किणिबो जहा फल रे चार दाम से 10,000 ही रहिबो एटा होची क्वेश्चन रो अर्थ चाहे केते केजी आणिबो जहा फल रे सेही समान टंका ही खर्च हबो देखो एटी भी 10,000 टंका खर्च हबो एटी भी 10,000 टंका खर्च हबो अर्थात से कंजप्शन कम कर देबो अर्थात 100 केजी आणुला से जगह रे कम केजी आणिबो केते केजी आणिबो देखंतु एटी 10,000 रो जदी आमे 10,000 रो जदि आमे 120 हरण करदेबा तो आराम से बाहर जो केते के जी प्रथम कनसेप्ट कहूँ सल्यूशन कहूनी कनसेप्ट कहूँ आप ट्रिक मेथड करेंगे जो सर्ट ट्रिक कह ट्रिक सल्यूशन करेंगे खाली ये क्वेश्चन कनसेप्ट आपको बुझाऊँ एक्चुअली कौन मांगी आप क्वेश्चन रे तो गोटे शून्य काटिले 4 3 काटतु यहाँ है के 25 हो तो यू समाधान कले के 83.33 समथिंग एत के जी आस जहाँफल देखो एवं 83.33 के जी मत कहु एवं कंजप्शन तर कम है कि ना ये 100 के जी किणुला कितु जेहेतु चार रेट बढ़ी गला देखो केते के जी आनला 83 के जी समथिंग 84 के जी समथिंग आनला तार केते कमला से कह भर डिफरेन्स बाहर करेंगे केते के जी कम किणी अर्थात शतकड़ा बाहरी पार आराम से जेहेतु आम 100 के जी धरी जाए तो आपको यह सब एटा मुझे खाली बुझापी कहली एति आप किसी करें ना आप सर्ट ट्रिक अप्लाय करेंगे देखो केते कौन कही इनक्रीज ना केते शतकड़ा इनक्रीज है 20 शतकड़ा इनक्रीज है तो केते कम करियार छ आपण इनक्रीज टा को ही देखिबे केते इनक्रीज है 20% इनक्रीज है तो 20% इनक्रीज डिवाइडेड बाय 120 × 100 20 120 से सेम जिनस सेई एटी 2 3 तो 50/3 16.2/3 शतकड़ा से कम चा किणिबो कितकी कंजप्शन तो कम करिबो एटा होची यार आंसर।